हेलो इराम जी। सादिक खाला, शुक्रन तुम्हारे पास पहुंच गई है क्या? अभी नहीं आई, खैरियत तो है ना सब? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, फोन आया था उसका? नहीं, मारवी से पूछ लिया शायद। उससे भी पूछा था मैंने, कोई कॉल नहीं की शुक्रन ने। बात सुनो बेटा, अगर शुक्रन तुम्हें कॉल करे तो फौरन मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं इत्तला दे दूंगी। जब बिलाल को कॉल की थी, जो हुआ बताया क्यों नहीं तुमने? उसे क्या बताती यार, टेंशन नहीं देना चाहती थी। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अगर वो औरत दोबारा सामने आ गई तुम्हारे तो, अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गई, जरा सोचो नजमतीन अंकल क्या करेंगे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ये कैसे कह सकती हो तुम कि वो ये सब नहीं करेगी? शुक्रान ऐसा नहीं करने देगी उन लोगों को। शुक्रान? सच में मायूस थी, मुखलिस थी, उसकी इज्जत करती हूँ। वाकई? वो बहुत ही मजबूत लड़की है, हसास, समझदार, अच्छी थी। फेजा, सच में समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हें। जानती हो, असल में बिलाल के लिए आइडियल है, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं है। इतना यकीन कैसे? उसकी आंखों में मुझे उसकी तकलीफ दिख रही थी, देखा मैंने। बिलाल से बहुत मोहब्बत करती है वो, लेकिन एक तरफा। फेजा, हो क्या रहा है तुम्हें? उसे पसंद करती हो ना? बिलाल को वाकई चाहती हो ना? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहन से नहीं निकाल पा रही। जब भी उससे मिलती हूं उसे भुला नहीं पाती। फेजा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। इस शर्त और मजाक को तुम इतना सीरियस मत लो। सादिद बाजी, खैरियत तो है ना सब? केव सर, शुक्रान का कुछ पता नहीं चल रहा, वो काम पर भी नहीं गई, दोस्तों को भी फोन नहीं किया, यानी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ। हाँ, हौसला रखें, देखते हैं हम। मोबाइल बंद है उसका केव सर, वो ऐसा कभी नहीं करती। उसकी हालत वैसे भी ठीक नहीं, कहीं खुदा ना खास्ता उसको। अल्लाह का नाम लो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अंदर आओ तुम, फिर हसन और बिलाल को इतला भी तो देनी है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पुरसुकून रहो, सब ठीक हो जाएगा। जी बोलो। क्या? अभी आ रहा हूं मैं। मुराद, दुकान देखना मेरी, तुम्हें याद है ना? ठीक कह रहे हैं। जी कहिए अमीजा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। एकवंत भाई, शुक्रान लापता है। क्या? मैं देखता हूं क्या मसला है। ठीक है। आयशे, त्यो को नहलाकर सुला देना, देख लेना उसे। मैं नहीं थी तो उसकी रूटीन खराब कर दी तुमने। नींद की कमी की वजह से उसकी आंखों के नीचे हलके पड़ गए। जा सकती हो तुम। तुम आयशे के साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरत रही? ढील नहीं दे सकती, इनके साथ सख्ती करनी पड़ती है, और फेजा इसकी हरकतों पर पर्दा डालती है। एमएल, फेजा अपनी माँ की तरह मानती है उसे, और आयशे से बहस करना तुम पे सूट नहीं करता। ऐसे नहीं कहे नजमुद्दीन, जागे। आयशे मुझसे जुबान चलाती है, अंदाजा है आपको? अगर हमारे दरमियान कुछ हो गया, अल्लाह ना करे अगर हम अलग हो गए, तो ईद मनाएगी मेरे हीरे जैसे शोहर। बिजनेस तो खड़ा कर लिया आपने, लेकिन औरतों को नहीं समझ पाए। काश कि मैंने अपनी जबान को रोक लिया होता। अरे मेरी बच्ची कहाँ चली गई? परेशान मत हो, ढूंढ लेंगे उसे। बेटा पानी देना जरा। मेरी अक्ल मारी गई थी,
कितनी बार उसने कहा अम्मी आप कुछ ना कहें, मगर मैंने उसकी एक पानी पी लो थोड़ा सा, पुरसुकून रहो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अकलमंद लड़की है, कुछ भी गलत नहीं करेगी इंशाल्लाह। उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी केव सर। कुछ नहीं होगा, काश मेरे पैरों का दर्द ही मुझे उस लड़की के पास जाने से रोक लेता। शैतान से भी भला मोहब्बत की जाती, उस लड़की को तो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ हमारे साथ हुआ। अभी भी फैजाबाजी को कोस रही है। सादत खाला आप उनकी गिबत करना बंद करें। मुंह बंद करो तुम अपना। लेकिन क्यों? आप तो कहती थी गिबत करना शैतान का काम है। चुप हो जाओ। हाँ मालूम हुआ कुछ? हसन मेरी बच्ची कहाँ है? हसन सब जगह देखकर आ गए हम और हर किसी से पूछ लिया हमने, लेकिन नहीं कुछ पता नहीं। पुलिस कम से कम भी 24 घंटे बाद कंप्लेन फाइल करती है। कहाँ होगी मेरी बच्ची? हसन मेरी बच्ची को ले आओ, हसन खुदा के लिए कुछ करो। चुप करो तुम, चुप हो जाओ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, इसकी जिम्मेदार तुम हो। चुप करके बैठी रहो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। हसन अंकल आराम से रेजन पानी दो। शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। या अल्लाह बिलाल को मेरी किस्मत में लिख दे, उसके बगैर मैं जीना नहीं चाहती। मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। शुक्रान चलो चलते हैं। क्या हम थोड़ा और नहीं रुक सकते? यहां मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। खैरियत तो है? कोई परेशानी वगैरह है क्या? नहीं तो मैं हमेशा यहां पर आना चाहती हूं। आप लेकर आएंगे मुझे? ले आऊंगा। प्रॉमिस? हाँ बिल्कुल। ठीक है। खूबसूरत जगह है ये। कैफ़सर कितना सुकून है ना इस जगह पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ से जाए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है ना। संभालो खुद को। हसन अंकल मैं थोड़ी देर में आता हूँ बस। ये क्यों बिलाल? तुम्हारा मन था तो मुझे कह देती, मैं ले आता तुम्हें। वादा खिलाफी करना नहीं आती मुझे। इसका मतलब आपको याद था? अपना वादा भी कभी कोई भूलता है क्या? आपको पता है क्या हुआ? जो भी हुआ बहुत बुरा लगा मुझे। अम्मी को ऐसा करने का हक नहीं है बिल्कुल। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई मुझे। परेशान मत हो। मैं फैजा से माफी मांग चुकी हूँ अम्मी की तरफ से, और आपसे भी माफी चाहती हूँ।
जरूरत नहीं शुक्रान, सादत आंटी को इस बार अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ, शायद। चलो घर चले। आयशा सुल्तान ने भी कहा था कि ये मुमकिन नहीं, तो अकल सही रास्ता ही दिखाती है। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने शादी कर ली है। शादी की बात कहाँ से आ गई? अरे वैसे ही मुंह से निकल गया था मेरे। ऐसे अल्फाज किसी और के सामने ना निकले, ध्यान रखना। सोचो लैला को पता चला तो। देखो अगर तुमने उसे बताया तो मुझसे दोस्ती खत्म। मेरा दिमाग खराब है क्या? उसको बताऊं और फिर उसकी बातें सुनूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा उससे मसला क्या है मुझसे। यानी बिलाल को अगर मैंने उसके हाथ से छीना होता तो बात समझ में भी आती ना। हसद करती है तुमसे, उसे जो नहीं मिला। देखो यार ध्यान रखना तुम प्लीज, लैला के सामने सब वाजे कर देती हो। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे यहीं उतार दो तुम। हाँ ठीक है। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब। अल्लाह किसी को ये सपना दिखाए। तुमने तो मेरी रूह ही निकाल दी थी शुक्रा, मेरी प्यारी बच्ची। मैं साहिल पे जा रहा हूँ अम्मी, कुछ देर बाद आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया मेरे बेटे। दोबारा ऐसा नहीं होगा, तुम्हें तकलीफ देने से अच्छा है मैं पड़ जाऊं। अम्मी मेरी प्यारी अम्मी, इतना गुस्सा मत किया करे, पुरसकून रहा करे बाबा की तरह। तुम भी दोबारा ऐसा कुछ ना करना जिससे मेरी जान ही निकल जाए। ठीक है, ठीक है अम्मी, सब कुछ ठीक है। अब मत रोए। वालेकुम अस्सलाम फैजा बाजी, गुलनाज बाजी ने हॉस्पिटल में कुछ मंगवाया था, बस वहीं जा रही हूँ। आज जो हुआ रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको भाई से बात करनी चाहिए थी। वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। आप बहुत अच्छी हैं। भाई भी इस वजह से बहुत परेशान थे, थोड़ी देर पहले साहिल पे गए हैं। गुड नाइट। गुड नाइट फैजा बाजी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो यहाँ आ गई। अभी रिजान से भी मिली थी। वो हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तुम भी भूल जाओ उसे। तुम्हें इस वक्त यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए। अकेली नहीं हूँ मैं, तुम हो ना मेरे साथ। ठंड लग रही है तुम्हें? इस वक्त हमें यहाँ कोई साथ देख ले तो ठीक नहीं होगा। तुम इस वक्त घर चली जाओ तो बेहतर होगा।
या अल्लाह मुझे अपने नफ्स के शर से बचा। Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. अंकारा से कब लौटेंगे? मीटिंग के बाद वहां पर लंच भी होगा, तो शायद लौटने में 12 बज जाए। आपका सफर अच्छा रहे। शुक्रिया मेरी जान। वो पियानो इस घर में दोबारा नहीं बजेगा, सुन लिया तुमने? क्यों ना आप ये फैजा को खुद कह दें, आखिरकार ये फैजा की अम्मी का पियानो है। बदतमीजी मत करो मुझसे, अगर दोबारा आवाज आई और मैंने गाना सुना तो पियानो घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी, सुना तुमने? ये क्या कह रही हैं आप और क्या फेंक रही हैं? हाथ लगा के दिखाएं और फिर देखें मैं क्या करती हूं। ये अपनी हद पार कर रही है। अब हरकतें तो देखो इसकी। रहने दो बेटी, मूड ऑफ मत करो अपना, अल्लाह हिसाब लेगा। हेलो। हाँ कहो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती कह रहे, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। मेरी जान, कुछ ही वक्त की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस यही बात कहते रहते हो मुझसे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा शौहर कब आएगा? देर से आएगा, 12 तक। चलो ये तो अच्छा है, तुम मेरे घर आ जाओ फिर बात करते हैं। ठीक है। आखिरकार तुम्हारी बहुत याद आई मेरी जान। मुझे भी बहुत आई। तुमने तो मेरे दिल पर कब्जा किया हुआ है। मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं नहीं मानता, अगर ऐसा होता तो मिलने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता मुझे इतना। मैं क्या कर सकती हूँ, तुम तो जानते हो सब। फिर तुम्हें मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ आने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है जानते हो? मेरी जगह तुम होते ना। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता ना तो आधी रात को मिलने आ जाता। हाँ इतना आसान नहीं है। रीजन, मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार नहीं मिल सकता। तुम्हारे घर आकर तुम्हारी अम्मी और भाई से बात करूंगा मैं।
क्या दिमाग तो ठीक है ना, वो मुझे जान से मार देंगे। मेरी प्यारी सी जान को कोई छू भी नहीं सकता, सबको मार दूंगा मैं। ये क्या बात कर रहे हो, मजाक की हद होती है। देखो तो जरा तुम्हें डर कैसे गई। बिलाल हर जगह मिल जाता है तुम्हें, कॉलेज, मोहल्ला, साहिल, यानी फेजा हर जगह पर है। क्या करूं यार, जब एक बार शुरुआत हो गई है तो आखिर तक हार नहीं मानूंगी। हार मानने का इससे कोई लेना देना नहीं, और ये बात तुम भी जानती हो। अपनी शिकस्त कबूल कर लो, मान लो कि तुम्हारा जादू नहीं चला, तस्लीम कर लो। मैं तस्लीम कर लूं? देख लेना, वो खुद चलकर मेरे पास आएगा। हाँ क्यों नहीं, देखो फिर आ गई ना उससे मिलने के लिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई थी। इसको भी इसी वक्त आना था। बेकार में यहाँ वेट नहीं करो, बिलाल नहीं आया है आज, टैक्सी चला रहा है। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? आसान नहीं है, ये बिलाल है ना, को चने चबवाता है। तुम्हें चबवाएगा चने। अब हार मान लो फैजा मेरी जान, कहा था तुम्हें घास नहीं डालेगा। तुम्हारे लिए तो सब ठीक है, उस घर में मैं रहती हूं। तुम्हें सब्र करना होगा, याद रखो नई जिंदगी शुरू करना आसान नहीं होता। आयशी का क्या होगा अगर बता दिया तो? अगर वो अब तक खामोश रही है तो मुझे यकीन है आगे भी रहेगी। इतना यकीन मत करो उस पर। अगर तुम चाहो तो मैं उसे हमेशा के लिए खामोश करवा दूं। बेवकूफी करोगे कह रहे। चलो बस करो, अब ये सब बातें छोड़ दो। कुछ ही टाइम मिलता है तुम्हारे साथ, उसमें भी तुम ये बातें करती हो। कातिल फिर कत्ल करने की जगह पर आ गया है, मुझे ये क्यों याद आ रहा है? कितनी फजूल बातें करती हो। एक तो वैसे ही कितना बेकार दिन गुजरा है। क्या कहती हो, बिलाल को कॉल करूं? फेजा बस कर दो, उसके इतना पीछे मत लगो, ये सही नहीं है बिल्कुल। सलीम की कॉल है, ये तो पीछे ही पड़ गया है। उठाओ ना जल्दी, स्पीकर ऑन करो, मैं भी सुनूंगी। चलो जल्दी उठाओ। हेलो, कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ, अपनी फ्रेंड के साथ बाहर हूँ। मैंने शाम में एक बहुत अच्छी पार्टी रखी है, तुम्हें भी आना होगा। हाँ क्यों नहीं चलते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकती मैं। चलो ना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मेरी दोस्त साथ चलेगी मेरे। तुम चाहो तो अपने साथ सारे मोहल्ले को ले आओ, जगह और टाइम तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। खुश आमदीद साहब। शुक्रिया आयशे। एमएल कहाँ है? वो तो दोपहर से निकली हुई हैं, बताकर भी नहीं गई। नंबर भी बंद है, कुछ भी नहीं बताया क्या? नहीं साहब कुछ भी नहीं। हो सकता है उस सेल्फ हेल्प प्रोग्राम में गई हो। बाबा जल्दी आ गए आज? मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। मेरा पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है, पिज्जा खाते हैं ना? चलें। बेटा बाबा सफर से थक कर आए हैं। नहीं मैं थका नहीं हूँ, तो चलो फिर आज हम बाप बेटे पिज्जा खाने चलते हैं। एमएल जब भी घर आए तो फोन करके मुझे बता देना। ठीक है साहब, मैं आपको कॉल कर दूंगी। चलो हीरो।
यहाँ साइड पे उतर सकता हूँ मैं? हेलो, तुमसे कह रहा हूँ मैं, साइड पे उतरना है मुझे, तुम आगे निकल गए हो। सॉरी। अल्लाह अल्लाह, ध्यान की तरह इसका। ये लो। एंजॉय करें। हाय, खुशामदी, और बताओ कैसे हो तुम? मैं अभी आता हूँ। हेलो सलीम, कैसे हो? हेलो खुशामदी, कहाँ जा रहे हो तुम? आप चले, मैं आता हूँ। शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए लेमन सोडा। थैंक यू सो मच। बोर हो रही हो शायद? पार्टीज में आना मुझे पसंद नहीं है ज्यादा। अगर तुम बोर हो रही हो तो मैं सबको भेज देता हूँ, बस मुस्कुरा दो जरा। अच्छा ब्लफ करते हो। स्टॉक ब्रोकर हूँ, ये तो काम है मेरा। सलीम, यहाँ पे आना दो मिनट, पार्टी एंजॉय करो, मैं भी आता हूँ। गर्ल्स, ख्याल रखना इसका। वैसे ये है तो बहुत प्यारा। अगर इतना अच्छा है तो खुद रख लो, मुझे नहीं पसंद। बेवकूफों जैसी बातें ना करो, ऐसे बंदे को कौन जाने देगा? तुम्हारे मिजाज भी तो बहुत ऊंचे हैं, कोई पसंद ही नहीं आता। तुम्हारे मूड से पता चल रहा है कि जबरदस्ती आई हो, थोड़ी मुस्कुराहट रखो। तो मैं क्या करूं, ये मेरे हाथ में नहीं है और इस जगह कंफर्टेबल नहीं हूं मैं। मैं जा रही हूं, अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो। मैं वॉशरूम से आती हूं। ऐसे मत जाओ, कम से कम सलीम के आने का इंतजार तो करो। हेलो बिलाल, मैं लैला। हाँ कहो लैला। यार मैं एक पार्टी में हूँ, गाड़ी चलाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तुम पिक करने आ सकते हो? ठीक है, एड्रेस बताओ। वालीबे रोड, मन्योला स्ट्रीट, नंबर 41, जाकरिया कुए। गुलाय साहिबा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आयशा आपा, बहुत इंतजार करवाया आपने। हाँ, एमिल ने तो नहीं किया होगा, वो तो यही चाह रही होगी कि मैं कभी ना आऊं, यकीन से कह सकती हूं मैं। सब कहाँ हैं? एमिल साहिबा दोपहर से निकली हुई हैं, अभी तक नहीं आई। नजमुद्दीन साहब और तियो खाने पर गए हैं। अल्लाह, कहाँ गई होगी वो? नहीं मालूम, फोन भी बंद है उनका। आयशे, आप कुछ जानती हैं क्या? गुलाय साहिबा, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है मुझे, एमिल साहिबा के बारे में। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग बिलाल, आने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत जेंटलमैन हो। कैसी जगह है? घर अच्छा है ना? एक दोस्त का है, स्टॉक ब्रोकर है, बहुत अच्छी पार्टी थी। अब चलें क्या?
उम्मीद करता हूँ पार्टी एंजॉय की होगी। हाँ, लेकिन मुझे अब पार्टीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। तुमने इनवाइट किया उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा आना ही मेरे लिए काफी है। देखो वो रहा वो मेरा स्टॉक ब्रोकर दोस्त सेलम। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारी उसके लिए शुक्रिया। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ना।